नाउ ब्रैटकॉम ग्रुप आप देखिए पंद्रह रुपये पचास पैसे पर क्लोजिंग हुई है और आज पूरे दिन में स्ट्रगलिंग चली है कैसे क्योंकि यहाँ पर ना नेगेटिव में भी आ चुका था ये स्टॉक और वापस यहाँ पर जो है क्लोजिंग के टाइम हमें तीस पैसे की तेजी मिलते हुए दिखी है और ये काफ़ी पॉजिटिव है लेकिन अगर आप देखें एफ का डेटा यहाँ पर आ चुका है और एफ आई एस की डेटा थोड़ा सा मिक्सअप है इस डेटा के बाद पाँच अप्रैल को हमारा डी का डेटा आने वाला है तो इन्वायरमेंट तो ठीक ठाक बन रहा है एफ की तरफ से कोई भी नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिली है डेटा अभी आपके सामने रखा जाएगा लेकिन उससे पहले आज का वॉल्यूम देख लेते हैं आज भी 3.67 करोड़ का वॉल्यूम और पचपन ऑलमोस्ट छप्पन करोड़ का यहाँ पर टर्न देखा गया है तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो स्टॉक के अंदर भरपूर है इसमें कोई शक की बात नहीं है कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं बट है बहुत छोटा नहीं एक रुपए की रेंज लेकिन हम जो है वो पॉजिटिविटी की ओर है ये एक अच्छी बात है इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती है और बात करते हैं एफ के डेटा की तो ब्लैक रॉक ने फिर से बाइंग करी है अब देखिए ब्लैक रॉक तो है ही ब्लैक रॉक ने इस बार बढ़ा दिया है बैनगार्ड ने यहाँ पर न्यूट्रल रखा है ये मार्च इकतीस मार्च दो के हिसाब से ठीक है ये सारे डेटा जो है वो इकतीस मार्च दो के हिसाब से है मिक्सअप डेटा क्यों है क्योंकि सेलिंग भी उतनी हुई है जितने की बाइंग हुई है नेट नेट दस हजार शेयर है जो कि पॉजिटिव गए हैं बस दस हजार शेयर्स यहां पर पॉजिटिव रहे हैं अगर आप देखें ब्लैक रॉक के फंड एडवाइजर्स यहां पर जो है 90,430 थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी इंक्रीज कर रहे हैं वही अगर आप देखें सबसे ज्यादा जो घटाए हैं वो टीचर्स एडवाइजर्स एलएलसी एल ने दस लाख ग्यारह हजार तीन सौ उनचास शेयर्स यहाँ पर बेच दिए उसके बाद यहाँ पर टी आई ए ए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर साढ़े सात लाख छः सौ पंद्रह शेयर्स यहाँ पर बेचे हैं उसके बाद स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स चार लाख अस्सी हजार छः सौ पैंतालीस शेयर्स बेच दिए हैं एक महीने में ये डेटा है लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो ब्लैक रॉक ने बढ़ाई है इसके साथ साथ नॉर्दर्न ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट आई सात लाख इकहत्तर हजार चारो अट्ठाईस शेयर्स बढ़ाए अगर इन सबको जोड़ोगे ना ये रेड वाले और ग्रीन वाले तो आपको जो है जो गैप मिलेगा जो यहाँ पर नंबर बचेगा वो आपका नेट नेट है नेट नेट के हिसाब से दस हजार शेयर्स यहाँ पर लॉन्ग रहे हैं भाई अगर आप देखें ब्लैक रॉक सीधा सीधा ब्लैक रॉक ब्लैक रॉक का कोई फंड नहीं सीधा सीधा ब्लैक रॉक यहाँ पर जो है एक लाख अट्ठानवे हजार नौ सौ बानवे शेयर्स बढ़ाए हैं उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप देखें ब्लैक रॉक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कंपनी दो लाख उनतीस हजार नौ uh, सौ तिहत्तर शेयर्स यहाँ पर बढ़ाए नेपोन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट एक लाख एक लाख इकतालीस हज़ार एक सौ बीस शेयर्स यहाँ पर इंक्रीज करें हैं इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे जो थाट असेट मैनेजमेंट यहाँ पर आठ लाख इक्कीस हज़ार पाँच सौ बीस शेयर्स यहाँ पर बढ़ाए इसके साथ साथ यहाँ पर ये और ध्यान रखिएगा टोटल इनके शेयर्स नौ लाख अड़तालीस हजार चालीस पहुँच गए सबसे ज्यादा इन्होंने बढ़ाए ये एक अच्छी बात है नेट नेट दस हजार सात सौ तीस शेयर्स हैं जो कि लॉन्ग रहे हैं ब्रैटकॉम ग्रुप के अंदर हम लोग जो कह रहे थे ना कि ब्रैटकॉम ग्रुप के अंदर इतना बाइंग होती है दिखता क्यों नहीं क्योंकि नेट नेट लॉन्ग कितने हैं ये हम कभी देखते ही नहीं है मैं भी नहीं देखता था आज नजर पड़ी है वो थोड़ा सा सोचा तो यहाँ पर दिखाई दिया अदरवाइज यही सब देख के हम लोग बात कर लेते थे नेट नेट दस हजार सात सौ तीस शेयर लॉन्ग रहे हैं अब भैया यहां पर ना डी आई आईस का डेटा आप देखना है कैसा आ रहा है डी का डेटा और इसी का इंतज़ार है अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि डी जब इतना सब इन्वॉर्मेंट ख़राब है क्या अभी भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और कितना यहाँ पर अगर आप देखें मंथली बेसिस पर इंक्रीज़ कर रहे हैं जैसे फरवरी के कंपैरिजन कितना इंक्रीज़ किया और जनवरी के कंपैरिजन कितना इंक्रीज़ हुआ ये ज़रा देखते हैं क्योंकि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर खबरें जो है वो जनवरी से लगातार बनी हुई हैं वो भी नेगेटिव पॉजिटिविटी तो कुछ देखी है नहीं नेट नेट वो जो हम बात कर रहे हैं ना एफ आई एस का डेटा नेट नेट हमारे दस हज़ार शेयर्स लोंग गए हैं दस हज़ार शेयर्स अरे आम इंसान के पास डले होंगे ठीक है ना तो वो एक बड़ी बात है तो वो दस हज़ार शेयर्स हैं तो कुछ नहीं लेकिन एटलीस्ट निगेटिव नहीं है ठीक है ना फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डी आई एस का डेटा यहाँ पर देखते हैं भैया क्या है अगर इतने भी नेगेटिव होने के बाद इतना बैड सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर इंक्रीज हो रहा है तब तो फिर ठीक है भैया यहाँ से भी होप ही इनको दिख रही है और रिटेल यानी हम सब होप में ही हैं सीधी सी बात एक रिपोर्ट हमने डिस्कस नहीं करी क्यू वन एफ ट्वेंटी फोर के हिसाब से हाईएस्ट क्वार्टर दर क्वार्टर इंटायर आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ एक कंपनी ने डिलीवर किए थे क्यू वन एफ वाई ट्वेंटी फोर है यानी कि अभी आपका जो निकल गया क्यू वन ठीक है ना वो एक ही कंपनी है ब्राइट ग्रुप ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्सटी परसेंट क्वार्टर दर क्वार्टर नॉट ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर जो है आ, आपका आ, इंक्रीज हुआ है उसके बाद सी इन्फो सिस्टम ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर्टी परसेंट उसके बाद टेनला प्लेटफॉर्म नाइन पॉइंट थर्टी परसेंट क्वार्टर दर क्वार्टर सबसे मेजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मेजर आईटी टी सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करूँ उनमें ये हाईएस्ट है एक और बात डिलीवरी परसेंटेज देखिए ज़रा यहाँ पर सिर्फ डेली बेसिस पर नहीं मत देखिएगा वीकली और मंथली बेसिस पर देखिएगा मंथली बेसिस पर इन महीनों में डिलीवरी परसेंटेज गिरा है ठीक है और अभी का अगर आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा डिलीवरी कोई हो नहीं रही है और ट्रेडिंग भी बाकी दिनों के हिसाब से कम है फिर भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तब भी यहाँ पर जो है कल के दिन अच्छा खासा प्राइस मूव आया ठीक है तो ये एक अच्छी बात है भैया यहाँ पर ना बस कैसे भी करके बहुत ज़्यादा बढ़े ना तो भाई साहब इन जगह से निकले क्योंकि ये काफ़ी ऐसा लगता है खींचती है ये पंद्रह रुपये चौदह रुपये का प्राइस ये बड़ा ड्रावना जैसा लगता है यहाँ पर बीस रुपए पर स्टेबल रहे भैया कोई दिक्कत की बात नहीं बस ये पाँच रुपये यहाँ से और एक्स्ट्रा कैसे भी बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर है वो बीस उन्नीस रुपये रहेगा एक थोड़ी सी एनर्जी बनी रहती है इन्वेस्टर के अंदर और देखिए मैं तो अभी भी डिमांड कर रहा हूँ आप 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 में से कुछ लोग होंगे जो पाँच साल से ज़्यादा एनालिस करते होंगे स्टॉक्स को या दस साल हो गए होंगे जिनको एनालिसिस करते करते उनको पता होगा कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है ठीक है एटलीस्ट कितना भी खराब हो स्टॉक कितना भी खराब हो कम से कम मतलब ये प्रिफ्रेंशल अलॉटमेंट का मामला ये पता नहीं क्या अटका हुआ है बट फिर भी यहाँ पर जो है अपने बुक वैल्यू से तो नीचे ना रहे कम से कम एक की बुक वैल्यू पर ट्रेड करे एक की बुक वैल्यू के हिसाब से छहत्तर सौ रुपये अट्ठाईस पैसे हाँ आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए क्योंकि Q2 के ओरिजिनल नंबर से जो कहें पूरी तरीके से अपडेट हमारे सामने अभी तक नहीं है कंपनी अपनी बात पर टिकी नहीं है ये हम कह सकते हैं और Q2 टू छोड़िए क्यू फोर का टाइमिंग हो चुकी तो वो भी एक अपने आप में ही है ए जी एम भी होनी है अब ए जी एम तब होगी ना जब सी ई ओ का ऐलान हो जाएगा अपना अभी मेन आदमी गायब सी ई ओ वो गायब है एंड लास्ट देखे अभी ना अब तो ठीक है आज जो कैंडल बनी है वो डिसीजन मेकिंग वाली है कोई डिसीजन बना नहीं है स्टॉक के अंदर अभी ठीक है यहाँ पर तीन दिन की जो बड़ी सेलिंग थी वो स्टॉक एक दिन में कल के दिन पचा आ गया ये ठीक है एक अच्छी बात है बट अभी यहाँ पर जो है ना बहुत ही क्रिटिकल जोन में है आसान नहीं है ये और देखिए मुश्किल भी नहीं है ठीक है रिकवर होना होगा वो हो जाएगा सिंपल सी बात बस मार्केट ये समझ नहीं पा रहा है कि आपको पॉइंट फोर्टी के बुक वैल्यू पर मिल रहा है ठीक है मैं बुक वैल्यू के बेसिस पर ना जाने कितने स्टॉक रिकमेंड करे और ना जाने कितने स्टॉक हाइयर साइड चले आपके सामने सेल अभी का एग्जाम्पल है सेल एक सौ इक्कीस पर अपनी बात हुई थी और यहां पर ना बुक वैल्यू बेसिस पर भी उसे खींचा गया ठीक है सब चलते हैं लेकिन भाई साहब जो है ना बस यही है जो बुक वैल्यू को एकदम मजाक माने हुए हैं कि भाई साहब बुक वैल्यू क्या होती है ये अब पता नहीं कौन है क्या है क्या रेंज में रखने की बात है लेकिन ऐसा लगता है कि जब चलेगा ना तो कोई पकड़ नहीं पाएगा मतलब हम सब देखते रह जाएंगे और वो बस रॉकेट ऐसे ही लग रहा है लेकिन खैर जो भी हो हमें वेट करना चाहिए ये सब बातें जो है अट्रैक्टिव लगती हैं साउंड बहुत अच्छा लगता है बट सिंपल सी बात है सेवी एंड यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर जो है देखते हैं क्या यहाँ पर निकल कर आता है तो वही डेटा है ठीक है बट अभी का म्यूचुअल फंड का डेटा देखिएगा यही हमारे लिए है फ़िलहाल म्यूचुअल फंड और एफ के अलावा हमारे पास कोई और डेटा है नहीं यही इस रियलिटी है इसी के साथ चलना पड़ेगा फिलहाल तो आप क्या कहना है इसको बल्कि हमारे साथ समझ गए और आप देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों